एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर मीटिंग आशीष चंचलानी। सो ये वीडियो होगी जिसको हम देखने वाले हैं। रिसेंटली वीडियो आई है, सो आज हम थोड़ा सा फनी कॉमेडी वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियोस हो जाती हैं। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को, बिकॉज आई एम सुपर टूपर एक्साइटेड इस वीडियो को देखने के लिए। सो वीडियो के लास्ट में हम कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स हैं जो कि लास्ट प्रीवियस टू वीडियोस के हैं, तो उसमें हम वो भी मेंशन करने की कोशिश करेंगे। सो उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। यह वीडियो काल्पनिक है, इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसलिए अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करें और उन्हें प्यार करें। थैंक यू। इन बच्चों ने इतना परेशान किया है, अपनी चाय में जहर मिला दूंगा और फिर इन बच्चों को पिला दूंगा, साले मर जाएंगे, मैं जेल चले जाऊंगा, इन सबसे छुटकारा मिलेगा। अरे बस कर, हाथ में आ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, बाकी का 1 सेंटीमीटर चलेगा सर, घुस गया। अबे ओ राधे के आधे, मैं और सहन नहीं करने वाला हूँ, समझा? पेंसिल तो मैंने शार्पनर में घुसाई थी, दर्द आपको क्यों हो रहा है? दर्द आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। चलो ठीक है, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। सेट अप, स्टूडेंट मैं हूँ कि तू? देखो सर, ये डाउट आप अभी क्लियर कर दो, आपके मम्मी पापा के सामने ना फिर क्या इंट्रोड्यूस करने में इजी होगा, कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। बाप किधर है, लेट क्यों हो गया है वो? वो पापा जूते पहन रहे। जूते पहन रहे ऑनलाइन मीटिंग के लिए? हाँ, लेट हो गए इसलिए रनिंग शूज पहन के भाग के आ रहे। यार ये मीटिंग कब खत्म होगी, मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ। ठीक है तो मैं जाता हूँ। ए पांक, चुप, बैठ उधर। हाँ तो बैठ ही रहो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? ओह नो सर, सर मैं इसको चिल्ला रहा था, आपको नहीं, आपकी मनुज वाला। आप बैठिए सर, प्लीज बैठिए। ओ सर, मनुज वाला दो लोग की सीट पे अकेला बैठेगा। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। आपकी महान औलाद की करतूतों की वजह से भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन, शायद आखिरी भी हो, इतना महान है आपका बच्चा। शाबाश शाबाश। अरे शाबाशी क्या दे रहे हैं आप, पीठ पे नहीं गाल पे शाबाशी दो। अच्छा शाबाश। कितना बोला है आदमी, पता नहीं संत ने राक्षस को कहां से पैदा कर दिया। सर मैं आपको क्या बताऊं, आपका बेटा क्या करता है, ये और इसका फ्रेंड रोहित प्रेजेंट सर, और इसका दूसरा दोस्त अनमोल प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। नाम लेता हूं नहीं कि पहले प्रेजेंट करते हैं। ये पेरेंट टीचर मीटिंग है, इसमें तो प्रॉक्सी मत मार। आधा टाइम तो ये प्रॉक्सी मारते और गलती से कभी हमारे लेक्चर में आ भी गए तो आपको पता है क्या करते। अच्छा सुनो, अभी अटेंडेंस ले रहा हूं और म्यूट करके प्रेजेंट मत बोलना नालायको। रितेश प्रेजेंट सर, पारस प्रेजेंट सर, ग्रीष्म प्रेजेंट सर, लौड़ा लसन पांक। लौड़ा लसन ये भी कोई नाम है? अरे सर आपने उस दिन चश्मा नहीं पहना था, लगता है आपने ठीक से पढ़ा नहीं, वो लौड़ा लसन नहीं कड़वा जशन था सर। कड़वा जशन, ये कैसा नाम है? अब बढ़वा तो रख नहीं सकते। चुप, बदतमीजी नाम, इसलिए तो कड़वा नाम रखा। देख रहे हो ये कैसे बात करता है? सर की जबान ना बहुत कड़वी है। चुप, एकदम चुप, मुझे गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा मुंह पे कोई देते गाली ऐसे? सॉरी पापा, मन में से। ओके पापा। और तो सुनिए, और उस दिन जब ये अटेंडेंस हो गया उसके बाद तो इनकी अलग ही नौटंकी चल रही थी। तुम लोग सब के सब एक ही असाइनमेंट भेजते हो, जब भी डाउनलोड करने रखता हूँ रिप्लेस का ऑप्शन आता है। कम से कम असाइनमेंट रीनेम तो कर लो नालायको, इतनी तो मेहनत कर लो जिंदगी में। और उस दिन मैंने जो तुम लोग को एक टॉपिक दिया था, अब ये थानोस कौन है? कौन है ये थानोस? आशीष ये क्या पागलपन है? सर आई डोंट फील सो गुड सर। अरे कहाँ गए? पूरा टाइम क्लास में चुटकी बजाते रहता है। अरे ये तो थानोस का भी बाप है, वो चुटकी बजाता था तो आधे लोग गायब होते थे, ये चुटकी बजाता है तो सब मात बंद करके निकल जाते। क्यों रे, क्यों बजाता है इतनी चुटकी? क्यों बजाता है इतनी चुटकी, छोटा भी है तू। जब बाप ये पांडू तो क्या करेगा गंग?
के साथ मेरी जबान भी गंदी हो गई है। और सुनो इसके कारनामे बताता हूं आपका जो महान साइंटिस्ट बेटा जब भी लेक्चर में आता है कभी इसका वीडियो चालू होता है ऑडियो चालू नहीं होता, ऑडियो चालू होता है तो वीडियो चालू नहीं होता, जब दोनों चालू रहते तो इसके सर से खून निकलता है। सर से खून? हां, और मैं से पूछता हूं खून क्यों निकल रहा है तो बोलता है सर सामने वाले ने पत्थर फेंक के मारा। मैं पूछता हूं पत्थर क्यों फेंक के मारा, बोलता है मैं लैपटॉप चोरी करके लाना। क्यों रे लैपटॉप चोरी करके लाता है तू? सर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तेरा पढ़ के और बढ़ के फायदा भी क्या? हां सर आपका ये बेटा लेक्चर में काम वाली बाई को मास्क बना के बैठा था और खुद पीछे सो रहा था। सर पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म की नहीं सिर्फ मास्क की जरूरत है। वाह मेरे चौथे इडियट। अबे ओ मिलीमीटर सेंटीमीटर इसकी वजह से वो काम वाली बाई मेरे घर पे लेट आती है और से पूछता हूँ कि लेट क्यों हुई है तो बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तू नहीं पढ़ेगा तो भी बढ़ेगा इंडिया। इसका एक और किस्सा सुनाता हूं मैं। नहीं सर प्लीज सर वो बात मत बताओ सर। द फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट सेटिस्फाई योर थर्स्ट एज मच एज द फर्स्ट ग्लास डिड। सर सर कैन आई ड्रिंक वाटर? अरे पीना भाई तेरे को जितना पानी पीना है पी, हम लोग क्लास में थोड़ी है। थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। अरे शांत हो जा सब, ये क्या पागलपन चल रहा है मेरे क्लास में। अरे ओ आशीष बस करना। सॉरी सर सॉरी सर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये अरे हंसना बंद करो कैसे बेशरम लोग। आपको पता है ये पूरा दिन लेक्चर में कुत्तिया और चिल्लरों की बातें करते रहते। अरे सर कुत्तिया और चिल्लर नहीं डॉज कॉइन की बातें कर रहे थे हम। डॉज कॉइन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी सर। ए भाई कौन सी करेंसी आ रही है? नोट चेंज हो रहा है? नया नोट काला? अरे नहीं पापा वो करेंसी की बात नहीं करो। आजकल ना मार्केट में नई करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी। इसका जो भाव है ना ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके लिए आपको एक बेस्ट ऐप बता रहा हूँ कॉइन डीसीएक्स गो। अगर आपको ये क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है ना कॉइन डीसीएक्स गो पे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एथेरियम खरीद या बेच सकते हो। इसमें जो सारे फंड्स है देयर इंश्योर्ड बाय बिटको। और आपको बेस्ट बात बताता हूँ आप डाउनलोड करो कूपन कोड लगाओ आशीष 100 आपको 100 रुपए का बिटकॉइन फ्री देंगे। हाँ बेटा मैंने भी सुना है बिटकॉइन का दाम और तेरी कॉलेज में इज्जत दोनों काफी गिरी हुई है। हाँ, गिरी हुई है जैसे आपकी और मीना की मैंने चैट के ऊपर आई थी ना वैसे ही। ओह नो सर मैं आपको क्या बताऊं इसकी बातें। एक तो लेक्चर में आते नहीं है ऊपर से आते तो इंटरनेट बंद का बहाना देते। उस दिन तो उन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी। साला मेरे बेटे को घूस देके मेरे घर की इंटरनेट की वायर कटवा दी हरामियों ने। तो सर इसमें गलती आपके बच्चे की हुई ना काबू में रखो उसको। मैं तो उसको 500 रुपया देने को तैयार था। 5 रुपए की आइसक्रीम में मान गया आपका लड़का। सर थोड़ा खिलाओ पिलाओ अपने बच्चे को पैसा वैसा दिखाओ अपना। बहुत भूखा बच्चा है आपका। कल को इसको फैमिली पैक देगा तो पूरी फैमिली को पैक कर देगा आपका लड़का। 5 रुपए की आइसक्रीम में बिक गया इसका लौंडा। कैसे भूखे बच्चे पैदा किए। अरे इसलिए कहता हूँ सावधान रहे सतर्क रहे। सतर्क तो रहना पड़ेगा आपके बच्चों से। अरे ये लोग ऐसे हरामी है। उस दिन मैं लेक्चर दे रहा था मेरी बीवी ने बीच लेक्चर में चिल्लाया सुनो जी शीला जी आ रही है। इन हरामियों को सुनाइया शीला जी आ रही है। सर के घर पे शीला जी आ रही है। ये क्लिप पूरे कॉलेज में वायरल कर देगी। सर के घर पे शीला जी आ रही है। ये शीला जी कौन है? अरे पापा इट इज नायग्रा बट विद अ वी लाइक नायग्रा फॉल्स बट दिस डज नॉट फॉल्स दिस ओनली टॉल्स फुल टॉल्स। अरे पापा ये लेने के बाद 6 सेकंड 6 घंटों में बदल जाते। ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। ये लेने के बाद अपन ड्रिल करेंगे फिर चिल करेंगे। अरे इसके बाद मिथुन दा ग्रैंड सल्यूट देते। अरे पापा ये लेने के बाद ऐसे उल्टे लेट जाओगे ना तो ऐसा पंखे की तरह घूमना है। अरे ओ बस कर और कितने एग्जांपल देगा। हो गया समझ गए भाई। पहली बार देखा है बेटा बाप को गुप्त ज्ञान दे रहा है। अरे ज्ञान आपको देना चाहिए अपने लड़के को। इसे सिखाओ कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं करते। उस दिन मैंने अपनी व्हाट्सएप पे डीपी रखी थी अपनी नई कार के साथ। साला मेरे घर के बाहर लाइन लग गई कार देखने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। अरे क्या अच्छी बात है। इन हरामियों ने मेरी 6 लाख की कार 30,000 में बेचने को रख दी ओएलएक्स पे वो फोटो यूज करके। वो बहुत फनी थी। मैंने गाड़ी नहीं बेची तो वो लोग कितना भड़क गए मालूम है। एक आदमी तो गुस्से में मेरी कार का दरवाजा लेके भाग गया। एक आदमी स्टीयरिंग लेके आज तक मैं गोला बना रहे। एक आदमी इंजन लेके भाग गया गन्ने का जूस निकाल रहे। अरे एक आदमी को तो मैंने उस दिन वाइपर से अपनी पीठ खुजाते देखी। ऐसे हरामी लोग रहते हमारे मोहल्ले में क्या बताऊं मैं आपको। 5 लोग तो गुस्से में मेरे 5 के 5 टायर लेके चले गए। अभी ये कौन सा विमान है जिसमें 5 टायर है? अरे स्टेफनी भी तो लेके गए। तो जैक तो पड़ा होगा ना देना। अरे कैसे हो आप? मैं मस्त हूं आप बताओ। आपके पेरेंट्स किधर है? मुझे लगता है आपके साथ अलग एक पेरेंट टीचर मीटिंग करनी चाहिए मुझे। सॉरी सर सॉरी सॉरी गलत बात है बेटा ऐसा नहीं डालना चाहिए ऑनलाइन किसी का। मेरे को बोलता मैं खरीदता ना इसके बेटे को 5 लाख देता
गाड़िया के रोज साफ करता, नहीं की नहीं लाइफ टाइम। अच्छी डील है वैसे, बहुत बैड। अरे आप उससे बात करने बैठे हो कि मेरे साथ बात करने बैठे हो? आपको एक मेन के साथ तो मैं पता नहीं भूल गया, ऑनलाइन एग्जाम का। एग्जाम शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जिस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, उसमें अगर तुम लोग क्रोम में टैब खोलोगे, व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करोगे या किसी भी तरह की कॉपिंग करोगे, मुझे सब पता चल जाएगा। तो अपनी कलाकारी यहाँ मत दिखाओ, और ये ऑनलाइन एग्जाम है तो नालायको कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। थू है अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी कर रहे हो। प्लीज चलो दो एग्जाम। लड़ाई। लोग सब एक ही जगह पे एग्जाम दे रहे हो, कैसे हरामी बच्चे हो। अभी साथ में पड़ेगा इंडिया, तभी तो साथ में बढ़ेगा ना इंडिया। वो वैक्सीन वाली बात बताओ, खोलू तेरे चिट्ठे? नहीं सर, वो नहीं, प्लीज सर, प्लीज दो हफ्ते पहले मैं वैक्सीन लगवाने गया। तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अपनी एक फोटो फेसबुक पे डाली थी। इन कुत्ती के बच्चों ने वो फोटो को लिया, मेरा फेस फोटोशॉप किया और हॉस्पिटल में एक आदमी के मुंह पे लगा दिया, और फिर फेसबुक पे मेरे नाम का फंडरेजर चला है। 1,00,000 रुपए जमा किए इन हरामियों ने मेरे नाम पे। 1,00,000। छी, देख सक्सटिंग। और पता नहीं किस मनहूस बच्चे ने मेरा नंबर लीक कर दिया और ये बात फैला दी कि सर ऑनलाइन लेक्चर में सुपर चैट लेते। सुपर चैट? उस दिन मैं लेक्चर में पढ़ा रहा था, बीच लेक्चर में एक बच्चा 200 रुपया जीपे करके बोलते सर प्लीज टेक माय नेम। एक बच्चा 500 रुपया देके बोलते सर प्लीज से मिनाली मैम आई लव यू। एक बच्चे ने तो हद पार कर दी, 2,000 रुपए बेच के बोलते सर प्लीज कैंसिल द लेक्चर। मतलब मेरा लेक्चर कैंसिल करने का रेट 2,000 रुपए है। तो सर आप बताओ ना आपका रेट क्या है, जो रेट बोलोगे उसमें मान जाएंगे हम लोग। साला कोरोना की भी वैक्सीन आ गई, इलाज आ गया, तुम हरामियों का इलाज पता नहीं कब आएगा। हाँ तो क्या गलत कर रहे ये लोग, फंड रेस करके फीस के नाम पे तो लूट के बैठे हो उनको तुम लोग। कहाँ लूट रहा है सर, अभी आप ये बातें क्यों ला रहे हो बीच में यार। अच्छा बेटा तेरा फीस का रिसिप्ट निकालू, सालो जिम खाने का 2,000, हराम खोरो ना जिम पे बेचते हो ना खाना खिलाते हो, मैगजीन का 2,000। तो एक खेलते हुए लड़के की मैगजीन तुमने भेजी इसको? कौन से खेलते लड़के की मैगजीन भाई, प्लेबॉय। अच्छा बेटा मतलब तुमने ये मैगजीन का बिल भी हमारे नाम पे फाड़ा है। ए, इस मैगजीन में नंगे लड़के लड़कियां क्यों होती है? पापा ये हमारा सब्जेक्ट है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। इसमें क्या ऐसे कपड़े काटने रहते और जो भी ये नंगे पिक्चर्स है ना उस पे क्राफ्ट पे ऐसे चिपकाने रहते, आर्ट्स एंड क्राफ्ट चिपकाना। सही चिपकाया अपने बाप को। हाँ और सुन, एक है बस फीस, साले हॉल से संडास जाने का कौन सा बस लगता है बे? अरे सर वो बस फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि बस के ड्राइवर्स को फीस देते हैं हम, लॉकडाउन में फीस नहीं काट रहे। सुजा अच्छी टांग, साले बस का फीस बढ़ता है और जिसके ऑटो में स्कूल ट्यूशन कॉलेज गए है उसको पैसे नहीं देता है। हाँ पागल समझा मेरे को? ये तेरा बाप नहीं है? कौन बाप? बाप को ये तो ढूंढने आया हूँ मैं, 4 दिन से घुमा रहा है मुझे। ये मेरे को बोलता है इधर आके बैठो, अंकल के सामने 15 मिनट हाँ हाँ करना, डबल पैसा दूंगा। घर पे मेरे पानी नहीं है, 4 दिन से नहाऊंगा किधर मैं? पैसा देता हूँ ना मैं, चुप कर। ये बैटरी, ओह नो, तेरा चपट चपट मैंने बहुत सुना है, बिना मतलब अपने बेटे के लिए तो सुना नहीं, मेरे बाप ने मेरे को तो सुना नहीं, तू सुना है? तेरी को तुम मिल रस्ते में ऑटो से उठाऊंगा ऑटो से। और तू क्या, तेरा तो आज मैं फर्नीचर उठा के जाएगा, तेरा टीवी उठा के जाएगा, बाद में आना मेरे घर पे टीवी लगाएगा अपने ऑटो में। अरे तू अभी जाएगा नहीं जाएगा, मैं टीवी लेके जाएगा। ए भगवान, बैटरी, कैसे कैसे बच्चे इस देश में, साला ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नकली बाप लाए। सर मेरे वो बाप को दौरे पड़ते रहते, पिछले जन्म में ऑटो वाला था तो कुछ बोलता रहता है सर। वाह बेटा वाह, अभी मैं तेरे को मौज कराता हूँ, प्रिंसिपल सर को कॉल लगाता हूँ। नहीं नहीं सर प्लीज, आई एम सॉरी सर, नहीं नहीं नहीं, तेरे को दिखाता हूँ मैं कितना हेवी ड्राइवर हूँ। सुन बे टकले, सर ये आशीष चंदला ने टकला कह रहा है सर। कैसे हरामी बच्चे बोलते सर, ऊपर भी विकमन थे नीचे भी विकमन थे। आई एम सॉरी सर प्लीज सर, नहीं सर ये पेरेंट टीचर मीटिंग में नकली बाप लेके आए। अरे नहीं सर इसके 2 बाप नहीं, एक ही बाप है सर, पेरेंट टीचर मीटिंग में पागल बना रहे हमको। सर सर क्या कर रहे हो सर? सोने कसला था हम लसरे वाजों की टकले। स
सो गाइज ये वीडियो थी जिसमें ये आशीष चंचलानी जो है वो उन्होंने बहुत ही फनी वीडियो जो है वो बनाई है। और इस वीडियो में बेसिकली आपको जो मजे की बात ये है कि लास्ट का जो एंड था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और आपको पता ही आजकल कोरोना चल रहा है और कोरोना में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और जिसकी वजह से लोग जो है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ये कुछ उसका ही इन्होंने फ़न के तौर पर लाकर दिखाया और नो डाउट मज़े का था। एंड अच्छा इसमें जो नकली बाप वाला सीन था वो बड़ा फ़नी था कि वो रिक्शे वाले को जो है उसने अपना बाबा जो है वो बनाकर बिठा दिया कि डबल पैसे दूंगा एंड तुम जो है यहाँ पर हाँ हाँ करते रहना। एंड खैर वो तो हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा होना था, ये तो एक्सपेक्टेड था ही, अनएक्सपेक्टेड तो था नहीं। खैर क्योंकि आशीष चंचलानी की यही वीडियोस जो होती है ना, वीडियोस में यही सबसे मेन चीज़ होती है जो कि मतलब कि लास्ट में कुछ ऐसा यू टर्न हो जाता है ना, तो इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। एंड एग्ज़ाम में मतलब कि एग्ज़ाम वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा फनी लगा जब वो कह रहा था कि पेपर जब हम मतलब कि वो एग्ज़ाम देते वक्त ये लोग लड़ना शुरू हो गए, तो एटलीस्ट मतलब कि शो ये कह रहे थे कि हम अपने अपने घरों में बैठे हैं लेकिन वो एक ही रूम में बैठे हुए थे, तो ये बड़ा फनी सीन था। एंड मतलब कि एक इस तरह की चीज़ें लोग वैसे कर रहे होते हैं नॉर्मली, एग्ज़ाम तो नहीं खैर इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस में यही फ़ायदा होता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ आपका फेस ही तो दिख रहा होता है, हाथ पाँव थोड़ी ना दिख रहे हैं, आपकी चेयर थोड़ी ना दिख रही होती है। बाकी क्रिप्टो कॉइन के बारे में मैंने बहुत सुना है, क्रिप्टो कॉइन के बारे में अगर आपके पास कोई नॉलेज हो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि क्रिप्टो कॉइन जो है ना उसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि क्रिप्टो कॉइन जो है वो ये है वो है, क्रिप्टो कॉइन का जो है वो इनविजिबल अमाउंट होती है जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और लोग जो हैं वो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये सेफ भी है, इन फ्यूचर आप जो है ना आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे इससे, ठीक है। तो ये सारा इसका होता है, ठीक है ना। तो खैर ओवरऑल मज़ा आया और इसमें था मास्क की ज़रूरत, और मास्क की ज़रूरत है वाकई में ही एग्ज़ाम्स में, यूनिफॉर्म की नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो आजकल सिर्फ मास्क जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें तो सिर्फ मास्क की ही ज़रूरत पड़ती है जहाँ तक मुझे भी आइडिया है, बजाय इसके कि हम बोलें कि हमें यूनिफॉर्म पहना। और वैसे आजकल बच्चों के मज़े हो गए हैं ना जब यूनिफॉर्म जो है वो उनसे जान छूट गई है। एंड यस ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और बस मैं यही कहूँगी कि जो बसेस वाले जो है ना यार, इन लोगों ने बहुत जुल्म किया हुआ है, स्कूल्स के टीचर्स ने बहुत जुल्म किया हुआ है बच्चों को, उनसे फीसेस ले रहे हैं अपनी भरपूर किस्म की और बस लूटते जा रहे हैं। बस ये है कि बस ड्राइवर्स को उनको पेमेंट करनी चाहिए क्योंकि बस ड्राइवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको नीड होती है, अब वो तो डेली वेजेस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, सो उन लोगों का कसूर नहीं है। बट टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, खुद तो स्टूडेंट से पैसे ले रहे हैं, पढ़ाएं ना पढ़ाएं फीसेज ले रहे हैं लेकिन बसेस वालों को पैसे नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्ट जो है उनको पैसा नहीं देते, तो ये बहुत जुल्म है। मतलब उन लोगों को टीचर्स को स्टूडेंट्स की फैमिली को देना चाहिए थोड़ा बहुत, एटलीस्ट उनकी घर का चूल्हा चल सके। सो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। सो चलते हैं खैर कमेंट की तरफ, और आज ये जो मुझे अच्छे लगे कमेंट्स, तो मैं कुछ बेस्ट कमेंट जो हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो यस जी, तो हमारे पास लास्ट टू प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स हैं जो कि हम रीड कर लेते हैं। एक लास्ट वीडियो का कमेंट है जो कि करण कोहली कहते हैं, क्या बात है यार साइमा, बड़े मैच्योर रिएक्शन देने लगी हो यार, लेकिन ख्याल रखा करो कि ये पूरी वीडियो पर रिएक्ट करो ताकि लोगों में कोई शक शुभा ना रहे, जैसे तुम्हें मक्खी तंग कर रही है वैसे ही तंग पाकिस्तान तंग करता है भारत को। सो ये मज़े का कमेंट था यार, और मज़ा आया इस कमेंट को रीड करके, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। एंड डेफिनेटली इस तरह के कमेंट जो हैं वो अच्छे लगते हैं। बाकी मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स करूँ, अच्छे अच्छे जो है वो रियल जो होती है पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर आप लोगों से करूँ। यकीनन आपको अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच, पाकिस्तान भारत को तंग करता है।
कोई बात नहीं, छोटे छोटे भाई जो है वो बड़ों को तंग करते हैं, सो कोई बात नहीं, इग्नोर करो, खल्ली वल्ली करो। अच्छा जी, एक और है, MS बिस्ट कहते हैं, आई डिडेंट सी यू लाइक द वे बिफोर बट आई मस्ट से यू आर गेटिंग ब्यूटीफुल डे बाई डे, ओ माई गॉड, और साथ में हार्ट बनाकर। खैर थैंक यू सो मच, एंड बस लास्ट प्रीवियस डेज में कुछ थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अनफिट थी, जिसकी वजह से मतलब कि ये बोल सकते हैं अनकॉन्शियस थी मैं, बिल्कुल ही अजीब सा एक्टिव नहीं था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डल हो रही थी, बट नो प्रॉब्लम, अब हम ठीक हो गए हैं और मेरा बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, सो अब अच्छे अच्छे वीडियोस भी आएंगी और लुक भी अच्छा ही आएगा। एंड सेकंड कहते हैं, आपकी ये बेहतरीन, अच्छा बनर्जी कहते हैं, बनर्जी दिव्याशीष कहते हैं, सॉरी अगर रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका नाम, आपकी ये वीडियो बेहतरीन है, लेकिन ध्रुव राठी का वीडियो देख के आप मेरी जैसे बहुत से लोगों फॉलोअर्स का दिल दुखाया, बाकी आपकी मर्जी है, आपका ओपिनियन। सो यार थैंक यू सो मच, आपने मेरा रिएक्शन को पसंद किया, लेकिन मेन चीज़ यह है कि मैंने ध्रुव राठी की कोई भी वीडियो इंटेंशनली नहीं बनाई है, मैंने उसके स्टार्टिंग में कहा था कि आई डोंट नो कि आपको पसंद आएगी कि नहीं, बट वो अखंड भारत पर थी, अखंड भारत पे कोई टॉपिक मुझे नहीं लग रहा कि कोई बुरा था, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो यूनाइटी की बात हो रही थी, और टॉपिक को मैंने देखा, मैंने ड्रिफ्ट को नहीं देखा, और हमें बेसिक टॉपिक को देखना चाहिए, और आई डोंट नो आपको पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, सो उसके लिए आई एम सॉरी दिल से बहुत बहुत। एंड एक और कमेंट है, कमेंट है अच्छा ब्लैक हार्ट कहते हैं, पॉलिटिक्स पर दो मना नहीं है, पर एक लिमिट होती है, वरना लोग उससे भी बोर हो जाएंगे। कैरी मिनाटी की ओल्ड वीडियोस पे रिएक्शन दो, उससे मूड अच्छा होगा। सो कैरी मिनाटी की वीडियोस पे तो मैं ऑलरेडी रिएक्शन देती ही रहती हूँ, और भी बहुत सारी, जैसे अभी मैंने आशीष चंचलानी की हमने बनाई है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि यार लोगों को पसंद नहीं आती, पता नहीं लोग पॉलिटिक्स की तरफ ही क्यों जाते हैं, क्यों नहीं कॉमेडी की तरफ आते, कुछ इस तरह के टॉपिक्स पर आते, हम इसको भी अच्छा वीडियो बना सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, सो सब कुछ मिक्स होना चाहिए, यू नो, अब पॉलिटिक्स को ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है। सो अगर आप लोग अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करेंगे सो हम उस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे। एंड राहुल जो है उन्होंने मुझे ये वीडियो सजेस्ट की थी, एंड थैंक यू सो मच राहुल फॉर द सजेशन। सो ये है हमारे आज के कॉमेंट, कुछ मुझे अच्छे लगे, इस तरह से अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, हम उसको अपनी वीडियोज पर ज़रूर शेयर करेंगे, और आप लोगों के कॉमेंट्स को रीड करके कुछ तफरी होगी, और रीड करके आंसर भी करने की कोशिश करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलते रहें और हम लोग इस तरह से गपशप करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।